जी 11th क्लास, वेलकम भाई। प्रोजेक्टाइल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी, ऑब्लिक भी। अब बारी है न्यूमेरिकल्स की, तो बेटा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए करा रहा हूँ मैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स आपकी असाइनमेंट के नहीं है, अपनी तरफ से करा रहा हूँ। फार्मूले आप लोग रिवाइज कर लो, अपने अपने फार्मूले रिवाइज कर लो बेटा, ऑब्लिक के भी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के भी। ओके जी, तो एक एक करके टेकअप करते हैं, बहुत जरूरी न्यूमेरिकल्स है भाई, न्यूमेरिकल वाला ही चैप्टर है। फार्मूले रिवाइज कर लो, मैं कराने स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर कहता है, हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली। एक हाइकर है, कोई हाइकर, हैकर नहीं, हाइकर, वैसे किसी हाइट पर खड़ा है क्लिफ पर। ओके, हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ विच इज 490 मीटर अबव, 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली फेंक दिया 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। इसको नीचे तक गिरने तक का टाइम कितना लगेगा और यहां पर ये किस स्पीड से गिरेगा, समझ लो जी। U दे रखा है, H दे रखी है, और क्या मांग लिया उसने, टाइम ऑफ फ्लाइट मांग लिया, एंड तक का टाइम मांग लिया ना। वो होता था आपका अंडर रूट 2H बाय G, यार वैल्यू पुट कर लो 2, H कितना 490 अपॉन G कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, तो यह जाएगा 2H डिवाइडेड बाय G। G को अगर हम 9.8 रखें तो भी सॉल्व हो जाएगा, 10 ले लें, यहां पे 9.8 ही लेते हैं, वो कैंसिल वैंसिल होने के चांसेस कुछ हो सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो यार, अब इसमें तो मैं आगे क्या कराऊं, सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अगली बात वो कहता है, इस एंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी थी। याद करो फार्मूला, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकला था, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जीटी का स्क्वायर। बस अब टी की जगह यहां पर क्या पुट होगा, ये जो आप कैलकुलेट कर चुके हो कैपिटल टी, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। फार्मूले रिवाइज कराने, इसके बाद थोड़ा सा लेवल उठा के क्वेश्चंस कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पहले में क्या उनका फार्मूला रिवाइज हुआ, एक तो ये वाला, अच्छा ये सबको याद आ जाता है, ये वाला भूल जाता है कि वेलोसिटी कैसे निकालनी थी, ये फार्मूला लगेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, फिर से प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया, फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 490 मीटर हाई। ले यार ये तो यही क्वेश्चन है, वहां पे क्लिफ बोला था, यहां क्या बोल दिया, हिल बोल दिया 490 मीटर हाई। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम चाहिए, टाइम तो वही लग जाएगा रूट 2H बाय G, कोई खास बात नहीं है बच्चे, फार्मूले एक बार देख लो बस, रूट 2H डिवाइडेड बाय G। ओके जी, आगे कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, ये है तुम्हारी हिल, ये है टारगेट, तो टारगेट का हिल से क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, दैट मीन्स वी नीड रेंज। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करनी है हमें, रेंज कैलकुलेट करनी है जी, रेंज, रेंज का फॉर्म यहां से क्या निकलेगा यार, टाइम निकल जाएगा, उसके बाद
रेंज का कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे? यू रूट 2h डिवाइडेड बाय जी। यूज क्या कर लोगे बेटा? यू रूट 2h डिवाइडेड बाय हो जाएगा, अपने आप करते रहना यार। आगे कहता था वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ये भी वही पार्ट कह रहा है, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। यहां पर पहुंचने वाली जो वेलोसिटी है यही फार्मूला होगा, सेम हो जाएगा। एक बार फार्मूले तो रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, इसलिए लल्लू लल्लू क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे तेज होंगे क्वेश्चंस। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला है रूट टू एच बाई जी, एक इसका फार्मूला रेंज का फार्मूला है, एक इसका वेलोसिटी का, ये तीनों यूज होते रहेंगे। सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर मिला देना इसका। ओके, आंसर आपके सामने आ रहा होगा, आंसर इसका मिला लेना। एक और क्वेश्चन, अगर मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं तो ये कहता है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। यही तो नहीं है? नहीं, इसमें 15 मीटर पर सेकंड थी। फिर से क्या बोला गया? अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम क्लिफ। ओके, हॉरिजॉन्टली 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया। What time elapses before horizontal and vertical velocities become equal? Okay, थोड़ा सा अलग है। कहते हैं what time elapses when horizontal and vertical velocities become equal? कितने टाइम बाद, कितना टाइम बीत चुका होगा जब horizontal और vertical velocities एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? Equal हो जाएंगी। तो बेटा हमने बोला, मान लो इस टाइम t पर horizontal और vertical velocity सेम हो गई। अब बेटा ये इसकी ओवरऑल वेलोसिटी होती है, ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी एक्स कंपोनेंट जिसको यू ही मानते थे। आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, वो शुरू में यू था तो बाद में भी क्या रहेगा जी? यू रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई ये चेंज होता रहता है। यहां पर देखो हमने फार्मूला लिखा है, ये एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो यू ही रहेगा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है? जी टी हो जाता है। ओके जी, उसने बोला वो टाइम जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी जब वी एक्स और वी वाई इक्वल हो जाएंगे, यानी जब यू किसके इक्वल हो जाएगा? जी टी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि फाइंड क्या करना था इसमें? व्हाट टाइम इलैप्सेस, तो इसमें क्या टाइम निकालना है। U कितनी है? 9.8। G भी कितना है? 9.8। टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या हो चुके होंगे? इक्वल हो चुके होंगे। कुछ तो फार्मूले रिवाइज हुए होंगे। एक क्वेश्चन और देखो फिर अगला। कहता टू टॉल बिल्डिंग्स, लिखा हुआ बॉल बिल्डिंग्स। बॉल बिल्डिंग्स क्या होता है? प्रिंटिंग मिस्टेक। टू टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट। टू टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट। ओके, टू टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट। विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो 540 मीटर। इससे 540 मीटर की ऊंचाई पर एक विंडो है, तो कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो 540 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन बिल्डिंग सो दैट इट विल एंटर अ विंडो 50 मीटर अबव द ग्राउंड इन द अदर। ये 540 मीटर है, ये कोई 50 मीटर ऊंची खिड़की है। ये तो मुझे लग रहा है वही क्वेश्चन आ गया जिसमें यहां पर एक चांद का टुकड़ा था। अब इस क्वेश्चन में चांद के टुकड़े की तो बात की नहीं गई है, बॉल फेंकनी है। दो दोस्त भी हो सकते हैं, बॉल बॉल खेल रहे होंगे। किस स्पीड से फेंका जाए कि उस तक बॉल जस्ट पहुंच जाए? तो कुछ भी नहीं बेटा जी, रेंज रेंज कितनी? 200 मीटर। और ये हाइट मानी जाएगी इसकी 540 माइनस 50, मेरे ख्याल से 490 मीटर। ओके जी, तो ये हाइट मानी जाएगी 490 मीटर, रेंज होगी 200 मीटर। करना कराना इसमें कुछ नहीं, यूजिंग
range equal to u root 2h by g. Range की जगह क्या पुट कर दो, 200. u की जगह क्या पुट हो जाएगा, कैलकुलेट करना है, h आपको 490 गिवन है, g की जगह 9.8 पुट करने है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा बच्चे. तो एक ये भी क्वेश्चंस हो सकता है, क्वेश्चंस नहीं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. एक और क्वेश्चन देखो फिर. अ प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर. कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड. ओके, सोचो, आपको जज करना है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि ऑब्लिक का है. अब जिसमें तो बेटा साफ साफ बोल रहा है हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टल वाले के 3-4 क्वेश्चन हो गए. अब मुझे लग रहा है कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ऑब्लिक के स्टार्ट हो गए. मैंने कैसे जज किया, वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर. अगले क्वेश्चन में रेंज कितनी दे रहा है, 50 मीटर. प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर. बेटा जब उसने बोला ना रीच द मैक्सिमम हाइट, तो दैट मींस ये ऑब्लिक का है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उसमें तो हाइट वैसे ही गिवन होती है कि इतनी हाइट से फेंका. यहां कह रहा है रीच अ मैक्सिमम हाइट, यानी कि वो हाइट कवर कर रहा है, यानी ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन रहेगा जी. ओके, इसके फार्मूले सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. रेंज कितनी दे रखी है, 50 मीटर. ओके, एंड रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर. और मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, ये 10 मीटर. ओके, मांग क्या रहा है इसमें, कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड. कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड. एंगल फाइंड करना है. अब सोचो रेंज का फार्मूला क्या है, हाइट का फार्मूला क्या है. सारे फार्मूले मैंने बोला साइड पे लिख लो. ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोला था फार्मूले अपने रिवाइज कर लो, वो साइड पे लिख लो, क्योंकि फार्मूलों का यूज होता रहेगा. रेंज अगर आप याद करो, रेंज दे रखी है, हाइट दे रखी है. मांग कह रहा था विद व्हाट वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल. नहीं नहीं, कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड. एंगल फाइंड करना है उसका, कि किस एंगल पे उसको फायर किया गया है. वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने एंगल मांगा है. रेंज दे रखी है 50 मीटर. भैया रेंज का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन इसका शुरू हुआ रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. हाइट का फार्मूला कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. अब चेक कर लेना हमने गलत ना कर दिया हो. अब सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे लग रहा है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो जब हमने डिवाइड किया तो रेंज कितनी थी, 50, और इधर से हाइट कितनी थी, 10, इधर तो 5 आ जाएगा. यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी भी कट जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, गया. ये बचेगा साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा लिख देता हूं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा. मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा. देखो ये जी तो कट ही गए थे, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहां रह जाएगा ऊपर, 2 sin थीटा, साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा कर दिया. इसमें से 1 sin काट देते हैं और ये बन जाएगा 5 = 2 2 = 4. 5 = 4 हो जाएगा, और ये ऊपर कॉस बच रहा है, नीचे साइन बच रहा है, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा. ओके, यानी यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा, और यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करना आपका काम रहेगा. टेन थीटा की वैल्यू 4 बाय क्या आ गई, 5 आ गई, 2 2 = 4,
4/5, इसको सॉल्व कर लेना। अब वो वही टेबल देखना पड़ेगा बेटा, इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सी द टेबल, टेबल देखकर वैल्यू पता लगती होती है। तो यहां तक नोट करो। हाँ जी बेटा, हो रहे थोड़े बहुत फार्मूले रिवाइज, फिर से बोल रहा हूं, साइड पे लिख लो फार्मूले, बढ़िया रहोगे। एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर 4 times द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यार, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है, जब थीटा कितना होता था 45 degree, और थीटा 45 degree पर याद करो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आई कितनी थी, इट वॉज यू स्क्वायर बाय जी। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आती कितनी है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। चलो आगे कह रहे प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर 4 times द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो हाइट होती है मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके जी, अब कह रहा आर मैक्स जो है वो कब आएगी, जब थीटा कितना यूज करोगे 45 degree। उस वक्त कह रहा है जो आर है वो हाइट के क्या होती है, 4 times होती है। तो कुछ ना करो, इसमें तो थीटा 45 degree पुट कर ही दिया है, इसमें भी क्या पुट कर दो, थीटा 45 degree पुट कर दो। यहां से थीटा 45 degree पुट करोगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 45। साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही हो जाएगा। ओके, नीचे क्या है 2g है, मतलब h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1/4। लेकिन रूस यू स्क्वायर बाय जी किसके इक्वल है, आर मैक्स के इक्वल है, यानी कि h इक्वल टू क्या आएगा, आर मैक्स आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। मतलब आर मैक्स जो होगी वो 4 times हाइट आ जाएगी, बिल्कुल सही, कोई शक नहीं। लेकिन इसको एज अ रिजल्ट ही क्या कर लो, याद कर लो। स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस होते हैं कई बार वैसे ही आ जाते हैं। अब जब आ ही गया वही क्वेश्चन आ गया तो सीधा क्या कर लेना, 4 times h या r इज इक्वल टू 4h, ऐसे करके याद कर लेना इसको। तो कई चीजें ना बस ये लगा लो कंसेप्ट सी बन जाती हैं। ओके, धड़ाधड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल 30 degree विद द वर्टिकल। अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल 30 degree विद वर्टिकल। अब देखो यार, कभी कभी वो उलझा सकता है, वो कह रहा है 30 degree विद वर्टिकल। लेकिन जो हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं बेटा, जिसमें जो थीटा है ना, थीटा अपने एक्सप्रेशंस में जितने भी एक्सप्रेशंस आई हैं उन सब में जो थीटा है दैट इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब उसने 30 degree विद वर्टिकल अगर दिया है तो मतलब ये एंगल 30 दिया है, लेकिन अपने फार्मूले तो इस एंगल के हिसाब से बने हुए हैं, यानी ये 60 degree है। दैट मीन्स उसने थीटा 30 दिया था, लेकिन जब मैं अपनी एक्सप्रेशंस में यूज करूंगा तो 30 नहीं यूज करना, 60 यूज करना। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना उसने वर्टिकल के साथ दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा है, उसने वर्टिकल के साथ दे रखा है, इसलिए थीटा को 30 को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी एक्सप्रेशन के हिसाब से, कुछ नहीं है, 90 से माइनस ही करना होता है। ठीक है, एक ही बात समझने वाली थी इसमें। तो बॉल इज किक्ड एट एन एंगल 30 degree विद द वर्टिकल। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 19.6 meter per second। कह रहा है इस वक्त अगर इस एंगल पे इसको क्या किया होता, प्रोजेक्ट किया होता। अब उसने तो ये एंगल बोला है, लेकिन हमें तो ये एंगल लेना पड़ेगा। ओके, कह रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का दे रखा है क्वेश्चन में, कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो कितना था, 19.6 meter per second। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 19.6, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, मैक्सिमम हाइट भी मांग रहा है, रेंज भी मांग रहा है। अब देखो निकलेगी किसी ना किसी तरीके से यू एक्स, हमें पता है जो यू एक्स होता है वो यू कॉस थीटा होता है।
x component of velocity, it is equal to u cos theta beta g. अब u cos theta अगर होता है तो उसने ux तो सीधा ही 19.6 दे रखा था, इसकी जगह u आ गया और cos 60 लगेगा क्योंकि थीटा कितना दे रखा था 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब u कितना आ गया 19.6 इंटू 2. सॉल्व अपने आप करते रहना. अब क्या बोल रहे हैं, हाइट निकाल, रेंज निकाल, तो उसमें क्या है, हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के नीचे 2g, रेंज का फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा के नीचे g. फार्मूला यूज कर लेना, u पता लग चुका है तुम्हें 19.6 इंटू 2, थीटा की वैल्यू पहले पता थी, g तो बचपन से पता है, हाइट निकल जाएगी. इसमें भी u आपको पता लग चुका है, थीटा की वैल्यू उसने गिवन थी और g आपको बचपन से पता है, रेंज भी कैलकुलेट हो जाएगी. बेटा जस्ट टू रिवाइज फार्मूलाज, ओके, लॉजिक को बहुत खास नहीं लग रहा इनमें, बस फार्मूले रिवाइज करवा रहा हूं जी, फार्मूले ही रिवाइज करवाए जा रहे हैं आपके. ओके, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स ए बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री. याद आ गया बंदर वाला क्वेश्चन, मंकी वाला. अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स ए बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी, एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन एंड द मंकी लीव्स इट्स प्लेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग. और क्वेश्चन वही है कि क्या मंकी को गोली लगेगी कि नहीं लगेगी. अब ये मैंने आपको पहले ही करा दिया कि मंकी को गोली लगेगी, मंकी ऊपर की ओर कूदता तो ना लगती, गोली भी नीचे आ रही है, मंकी का पीछा कर रही है तो मंकी को गोली लग जाएगी, करा दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आओ. अगला सवाल ये कहता है टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एट डिफरेंट एंगल्स सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट. दो प्रोजेक्टाइल हैं थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, चलो एक u1 से और एक u2 से, एट डिफरेंट एंगल्स. क्या बात है, एंगल भी डिफरेंट है, एट डिफरेंट एंगल्स सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट. ओके, कुछ तो सेम दिया हुआ है, वेलोसिटी अलग अलग, एंगल अलग अलग, मैक्सिमम हाइट सेम है. शो दैट सम ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय आइदर ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ओके, क्या कह रहा है, टोटल टाइम ये लेता है t1, ये लेता मान लो t2, इसका टोटल टाइम t1, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t2, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का ये टाइम लेता होगा इसका आधा, t1/2. ओके, और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम लेता होगा t2/2. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव कर दिखाओ कि इनका जो सम है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के, जो इनके टाइम्स हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल है. इट इज टाइम टेकन बाय आइदर टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय इक्वल टाइम आइदर ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स, मतलब इनके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसी के भी इक्वल आएगा, ऐसा कुछ दे रखा है. अब जो भी दे रखा होगा, मैं तो जो सबसे खास बात दे रखी है वहां से शुरुआत कर देता हूं. उसने बोला दोनों की हाइट क्या लेनी है, सेम लेनी है, ये h1 है ये h2 है दोनों सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h1 इज इक्वल टू h2, h1 इक्वल टू h2. अब हाइट का फार्मूला सोचो, हाइट का फार्मूला सोचो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के नीचे 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के नीचे 2g. यार इसके लिए लगेगा u1 क्योंकि इसने बोला अलग अलग है, इसके लिए लगेगा u2. थीटा भी कह रहा है अलग अलग है, ये θ1 लगेगा θ2 लगेगा. अब जी थोड़ी अलग अलग हो सकते हैं, जी तो सेम ही होंगे. ओके,
यहां से 2g कट गया, ये बच गया u1 साइन स्क्वायर थीटा 1, u2 साइन स्क्वायर थीटा 2, इन पे भी स्क्वायर है। यहां से आप कह सकते हो u1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल हो गया, u2 साइन थीटा 2 के इक्वल हो गया। ओके जी, अब बात किसकी बोल रहा है, इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट की। इन्वॉल्वमेंट किसकी आ रही है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट की आ रही है। तो अगर मैं इतनी सी जगह है वहां पर कंजूसी कंजूसी से लिख दूं, तो मैं देखता हूं कि पहले का जो टाइम है वो होना चाहिए 2u1 साइन थीटा 1 बाय जी। 2u साइन थीटा बाय जी होता है, u भी अलग थीटा भी अलग। दूसरे का जो टाइम होता है वो होना चाहिए था 2u2 साइन थीटा 2 बाय जी। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो या चेक करते हो या डिवाइड करते हो, जो भी करते हो, जी से जी कटता है, 2 से 2 कटता है, तो t1 किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है u1 साइन थीटा 1, नहीं हमने तो डिवाइड किया ना, t1 बाय t2 किसके इक्वल आ जाता है, u1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय u2 साइन थीटा 2। लेकिन u1 साइन थीटा 1 और u2 साइन थीटा 2 तो इक्वल प्रूव हो चुके हैं। अगर ये इक्वल प्रूव हो चुके हैं तो इसका मतलब t1 और इक्वल टू t2 प्रूव हो चुके हैं। अगर दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गए, सेम ही हो गए, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गए, सेम ही हो गए, तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। उसने ये मांगा था t1 प्लस t2, t1 क्या दोनों का आधा आधा, तो भैया उसने बोला था t1 प्लस t2 यानी t1 बाय 2 प्लस t2 बाय 2 यानी t1 प्लस t2 बाय 2। लेकिन भैया t1 और t2 तो इक्वल प्रूव हो गए। अगर ये इक्वल ही प्रूव हो चुके हैं तो जो मर्जी भर दो, इसकी जगह t2 भर दो, तो ये बन जाएगा 2t2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया t2। और t2 किसके इक्वल है, t1 के इक्वल है, तो t2 इज इक्वल टू t1, इसलिए आंसर आ गया t1 इक्वल टू t2। तो आ गया आपका दोनों का सम किया, ये देखो t1 प्लस t2 नहीं, छोटा t1 प्लस छोटा t2 इनको जोड़ोगे तो ये किसी के भी इक्वल आ जाएगा। यहां पे t2 के इक्वल आया है, लेकिन t2 किसके इक्वल है, t1 के इक्वल है, तो t2 इक्वल टू t1 यानी t1 प्लस t2 इक्वल टू t2 इक्वल टू t2 नहीं t1। ओके जी, ये नोट कर लो इसको। हाँ जी बेटा, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, करो करो करो, अभी क्वेश्चंस करने हैं यार 5-7 और। एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एक गोली चला दी गई है, कितने एंगल पर, 15 डिग्री। अब बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल, नहीं पेन नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होंगे, अगला पेन है अपने पास। अब बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड हिट्स द ग्राउंड 6 किलोमीटर अवे, ये सही चल रहा है, 15 डिग्री पे फेंका और कितनी दूर जाके गिरता है वो, 6 किलोमीटर पर, रेंज कितनी भाई, 6 किलोमीटर। ओके, इज इट पॉसिबल टू टारगेट 10 किलोमीटर अवे बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कह रहा है 6 किलोमीटर दूर तक मार करती है गोली, क्या टारगेट अगर 10 किलोमीटर हो तो उसको ये बंदूक टारगेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब उसके लिए यार हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज निकाल लेते हैं, हमें पता है अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकूं तो मेरी रेंज आ जाएगी मैक्स, और जो मैक्स रेंज होती है वो होती है यू स्क्वायर बाय जी। ओके, अगर मैं यहां पर यू स्क्वायर बाय जी, ओके, जब वो 15 डिग्री, ये मैक्सिमम है, ठीक है ठीक है, अगर वो 15 डिग्री में जब उसने फेंका था तो रेंज आई थी 6 किलोमीटर बेटा, कितनी आई थी 6, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा
30 डिग्री, चेक कर लो, थीटा 15 दिया होगा, 2 थीटा 30 होता है, 15 इंटू 2 30 होता है, तो 6 इक्वल टू क्या आ गया भाई, यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 30, 1/2, यानी कि यू स्क्वायर बाय जी इक्वल टू 12 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर था ना, 6 किलोमीटर कितना आ गया, 12 किलोमीटर, लेकिन भैया यू स्क्वायर बाय जी कितना होता है, आर मैक्स होता है, तो मजा क्या आ गया, आर मैक्स जो है वो 12 किलोमीटर है, यानी ये बंदूकिया जो है वो कितना दूर तक मार कर सकती है, 12 किलोमीटर तक कर सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ 10 किलोमीटर ही टारगेट करना है, दैट मीन्स गोली लगेगी 10 किलोमीटर वाले बंदे को भी, तो इट कैन टारगेट, यस इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो एक और, कहते प्रूव दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन, कुछ प्रूफ प्राप्त मांग रहा है, देख लो अब क्या मांग रहा है, प्रूव दैट कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होते हैं और जो रेंज होती है, कह रहा है उनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan θ, कह रहा है ऐसा कुछ प्रूव करके दिखाना, कुछ नहीं है, वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे अपने आप ही सॉल्व होता रहेगा, 2t² इक्वल टू 2r tan θ प्रूव करना है, हम एक LHS लेकर चलते हैं, ओके हमने क्या किया, LHS ली, LHS में लिखा gt², अब ये बन गया g, t तुम्हें पता ही है, इट इज 2u sin θ डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर, आ तो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तो LHS से शुरू किया हुआ है, ये g है, ये g है, एक g कट जाएगा, ये बनेगा 4u² साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जी, ओके अब हम देख पा रहे हैं यार, रेंज बनानी है रेंज, तो उसके लिए कुछ जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, जोड़ तोड़ में हमने क्या किया, एक तो यू स्क्वायर बाय जी को ऐसे ही रखा, ये यू स्क्वायर बाय जी है, ये 4 के दो टुकड़े कर दिए, 2 × 2 कर दिया, ये 4 का भी काम हो गया, यू स्क्वायर बाय जी भी देखो हमने रख लिया, अब बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा इंटू साइन थीटा करके रख लिया, अब हम रेंज लेकर आना चाहते हैं, देखो रेंज लाने के लिए होना चाहिए यू स्क्वायर है साइन 2θ बाय जी, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी, वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यू स्क्वायर अपने पास है, जी अपने पास है, साइन 2θ बनाना है, अब वो भी बन जाएगा क्योंकि साइन 2θ होता है 2 sin θ cos θ, इट इज 2 sin θ cos θ, तो 2 भी है साइन थीटा भी है कॉस थीटा नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी कि ऐसी किसी चीज से थोड़ी मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मैंने कर दिया था, लेकिन बाद में उसको कटवाने के लिए फिर से नीचे क्या लगा दिया, कॉस थीटा लगा दिया, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जब मैंने, तो मेरे पास बचा ये 2 बचा, ये यू स्क्वायर बाय जी बचा, यार 2 sin θ cos θ साइन 2θ हो गया, 2 sin θ cos θ साइन बाय कॉस, एक टेन थीटा भी आ रहा है, ये बन गया 2, ये चीज बन गई रेंज, साथ में आ गया टेन थीटा, क्या बनाना था 2r tan θ ही बनाना था, तो LHS से की हमने शुरुआत, कहां पहुंच गए RHS पे पहुंच गए, हो गया खैर प्रूफ, फार्मूले रिवाइज, भैया फार्मूले रिवाइज, सिर्फ क्या करने हमने यहां पर फार्मूलाज रिवाइज करने थे, एक क्वेश्चन और देख लो जी, चलो 3 क्वेश्चन कराऊंगा बस, इसके बाद नहीं, जो भी करा रहा उसको मिला के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 40 m/s, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 m/s, एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 40 m/s की स्पीड से, कहता आफ्टर 2 seconds इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 m, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, एक तो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, एक कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, और उसने बोला है इस वेलोसिटी से फेंका था
2 सेकेंड बाद वो एक पोल को क्रॉस करेगी जिसकी हाइट है 20.4 मीटर। कितनी देर बाद? 2 सेकेंड बाद उसने एक पोल को क्रॉस करना है जिसकी हाइट है 20.4 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा कि कुछ इस तरीके के से इसको प्रोजेक्ट किया होगा। यार एक पोल है जो कि 20.4 मीटर की हाइट पे है, उसको क्रॉस करना है इसने 2 सेकेंड बाद। बेटा इसके पास दोनों कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल भी था और वर्टिकल भी था। वर्टिकल इसको ऊपर लेकर जा रहा है, 2 सेकेंड बाद वाई डायरेक्शन में कवर किया हुआ डिस्टेंस 20.4 मीटर है, क्लियरली दिया हुआ है। 2 सेकेंड बाद इस पोल को क्रॉस करेगा, यानी 2 सेकेंड बाद जितना पोल ऊंचा था उतना पहुंच गया ना वो, तो 2 सेकेंड बाद उसने पोल को क्रॉस करना है, यानी 2 सेकेंड बाद वाई डायरेक्शन में कितना कवर किया वो दे रखा है। अब वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होती है? ये रिलेशन होती है y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y इक्वल टू बेटा यू वाई की जगह क्या होता है अपने पास? u साइन थीटा। याद करो याद करो याद करो, ये u कॉस थीटा होता है, ये u साइन थीटा होता है। देखते हैं ऐसे निकलेगा कि नहीं। ये होता है u साइन थीटा, ये दे रखा है 2 सेकेंड, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी दे रखा है 20.4 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टू माइनस हाफ, इसको यार 10 मान लेता हूं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10, इसको क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, टू मानना क्या वो तो आएगा ही, ये आ जाएगा 20, ये इधर आ जाएगा 20 हो गया ना, ये इधर आ गया, आ जाएगा 40.4। अगर उसको 9.80 माना होता तो ज़्यादा बढ़िया नहीं हो जाता? ये 2 कट गया था, 9.80 मानो यार, बढ़िया रहेगा, राउंड फिगर में आएगा। ओके, जी की जगह 9.8 भरा, 2 से 2 कट गया, 2 × 9.8 19.6 इधर आके जब जुड़ेगा ना इसके बीच में, वहां से इधर आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा 19.6, इधर बचेगा u साइन थीटा इंटू 2, यानी 2u साइन थीटा, ये बन जाएगा 20.4 प्लस 19.6 40 आ जाएगा। ये 4 इसको दे दो, 20 20 40, सही है 40। यहां से बेटा जी u साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल आ गया। ओके 20 मांगा क्या उसने? रेंज मांगी है और एंगल भी मांगा है। यहां से u भी दे रखी है तो एंगल निकल गया कि नहीं निकला? u कितनी दे रखी थी? u इज इक्वल टू 40, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया, थीटा कितना आ गया 30। इसके बाद अब रेंज निकालने में अब क्या रह गया? रेंज तो अपने आप ही निकल जाएगी, वैल्यू पुट कर देना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन सही था अभी तक, जो सबसे ठीक क्वेश्चन आया ना, जिसमें कुछ करने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, फार्मूला पुट कर रहे हैं हम, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत सोचने के लिए था वो ये था, जब उसने हाइट दी होती है ना बेटा, इतनी हाइट जरूरी नहीं है वो मैक्सिमम हाइट ही हो। बोलेगा ना जब मैक्सिमम हाइट है तभी मानेंगे हम कि मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे हाइट, ये मैक्सिमम हाइट नहीं थी, उसने बोला इतने सेकंड बाद ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, यानी इतने सेकंड बाद इतना ऊपर चढ़ जाएगा बस, ये इस तरीके से होना। आंसर मिला लेना अपना। चलो भाई एक और देख लो फिर। इसमें बोला गया है, बोर हो गए भाई, बस दो 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 रह गए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। कहता है बॉडी को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि एट द टॉप, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसकी जो एनर्जी है ना, वो कह रहा है इट इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल
एनर्जी। अब देखो यार, अगर इसको खोल के करोगे टाइम बड़ा लग जाएगा, लेकिन इसके लिए तो फार्मूला आपको बता दिया था हमने, याद करो, रिवाइज कर लो, जाके देख लो, रोको वीडियो को, पहले जाके फार्मूला देखो कि यार ऐसा कोई फार्मूला कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ है। ओके, तो एट द टॉप बेटा एनर्जी का फार्मूला कराया हमने, ई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो ई इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो पूछा गया इसने क्वेश्चन में, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट काइनेटिक एनर्जी टॉप 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल, व्हाट इज द इनिशियल एंगल। कह रहा जी ये वाली जो एनर्जी है 3/4 ऑफ इनिशियल है, ये बन गया ई कॉस स्क्वायर थीटा। ले ओ भैया, एंगल निकालना था, ई से ई कट गया, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, यानी थीटा इक्वल टू मेरे ख्याल से 30 डिग्री आ गया, क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2। ओके, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या था, हो गया, लेकिन खास वाला क्वेश्चन था, टाइम कम लगा, फार्मूला खास था। लास्ट क्वेश्चन जी आज का, अगला सवाल ये कहता है प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग 60 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 147 मीटर पर सेकेंड। थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया है, 60 डिग्री दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 147 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बी 45 डिग्री, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, यानी कितने समय बाद इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इंक्लिनेशन कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। याद करो ये जो है v एट टाइम t है, ये उस वक्त का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये उस वक्त का वर्टिकल कंपोनेंट है। और अगर हमें याद हो तो हमने पढ़ा है टैन ऑफ अल्फा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, सॉरी हॉरिजॉन्टल और उस वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है, टैन अल्फा इक्वल टू होता था वी वाई बाय वी एक्स, याद करो। ओके, टैन अल्फा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स है। कह रहा है एंगल कितना करना है, 45 डिग्री करना है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री का मतलब vy और vx आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब vy और vx इक्वल हो गए, इनकी वैल्यू पुट कर दो यार, vy की जगह याद करो uy प्लस gt, ut प्लस नहीं, हाँ ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से uy प्लस gt, g नेगेटिव लगेगा, और उधर जो vx है वो कितना लगना है, u cos theta यानी ux, बस वैल्यू पुट कर दो uy की जगह u sin theta माइनस gt इक्वल टू u cos theta, यही होगा, theta दे ही रखा है, कुछ भी ना रहा है फिर तो इसमें, sin 60 u इंटू रूट 3 बाय 2 माइनस जी टी इक्वल टू कॉस 60 u बाय 2, इसको इधर ले आओ यार, u इंटू यू बाय 2 बाहर निकालते हैं, इसका रूट 3 लिखते हैं, इसका 1 लिख लेते हैं, इक्वल टू जी टी बन जाएगा, इसको u बाय 2 लिख लेते हैं, u गिवन ही है, ये 1.73 रूट 3 की वैल्यू पता ही होगी 1.73 होती है बच्चे, ये 0.73 हो जाएगा इक्वल टू जी टी। अब सॉल्व करना तो यार तुम्हारा काम है, टी इक्वल टू यू बाय 2 है इंटू 0.73 है, टी इक्वल टू नीचे क्या है जी है, इसको सॉल्व कर लेना, यहां से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।